आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिश्रा प्रीमियर लीग 2020-21 के मैच के बारे में। और ये मैच खेला गया था एमएस रेड और एमएस ग्रीन के बीच में। एमएस रेड की टीम ने टॉस जीता। आइए बात कराते हैं एमएस रेड के कैप्टन मनी से। मनी कुमार, एमएस रेड के कैप्टन, टॉस जीत के आज फिर बैटिंग का फैसला, तो उनसे जानेंगे कि इस फैसले के पीछे की वजह। और आज मनी साहब, आज हम विकेट फ्लैट है और पूरा खेलने की कोशिश करेंगे, पूरे 40 ओवर खेलेंगे, तो 250 से 300 के बीच में रन बनेंगे। जो लास्ट टाइम गलती हुई है वो बस यही था कि हम पूरा खेले नहीं, तो आज हम पूरा खेलने की कोशिश करेंगे। स्क्वाड या प्लेयर में कोई चेंजेस? एक क्रिश शर्मा चेंज हुआ है आज, उसकी जगह एक लड़का नया आया है, और बस सब सेम है सर। कैन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और अब आपकी बात कराते हैं एमएस ग्रीन के कैप्टन से। टॉस का कोई महत्व आज के इस मैच में? फिर अगेन 200 गेंदों में रुकना चाहेंगे, तो कोई आज कुछ एक अलग प्लान, कुछ अलग नई सोच के साथ कि एक डिफरेंट मैच है, उस दिन अलग मैच था, आज अलग दिन है? थोड़ा अटैकिंग फील्ड के साथ हम जाएंगे, सोचेंगे थोड़ा और कम रन हम रोकने की कोशिश करें। कोई चेंजेस आपकी टीम के? सेम टीम। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। एमएस रेड ने पहले बैटिंग करते हुए 32.1 ओवर में 184 रन बनाए, जिसमें सारांश ड्राल ने 58 रन की पारी खेली, विवेक मिश्रा ने 26 रन बनाए, रौनक जैन ने भी 26 रन की पारी खेली। वहीं पर एमएस ग्रीन की तरफ से गेंदबाजी करते हुए तेजस पोखरियाल ने 2 विकेट ली 27 रन देकर, आदित्य भारद्वाज को 3 विकेट मिली 23 रन देकर, और सागर शर्मा ने 2 विकेट ली 18 रन देकर। इस टारगेट को एमएस ग्रीन की टीम ने 32.5 ओवर में चेस कर लिया। उन्होंने 188 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें अनीश गौतम ने 38 रन बनाए, अंकित मिश्रा ने 39 रन की पारी खेली, रोहित गोटवाल ने 33 रन बनाए, और एमएस रेड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए राघव खन्ना को 2 विकेट मिली 17 रन देकर, ऑर्गो भौमिक को 2 विकेट मिली 15 रन देकर, और विवेक मिश्रा ने 2 विकेट मिली 45 रन देकर। इस तरह से एमएस ग्रीन की टीम ने इस मैच को 2 विकेट से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच मिला आदित्य भारद्वाज को। आइए अब आपको लेके चलते हैं मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। अचानक जब मोमेंटम आपकी तरफ बढ़ा और रोहित जी जब बल्लेबाजी करने आए, तो उस टाइम दिमाग में, क्योंकि दोनों साथ रहे हो, थोड़ा बहुत खेले भी हो, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप लोग जानते थे, तो उस बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर, मेरे दिमाग में ये था सिर्फ कि एक जगह बॉल डालनी है, आगे बॉल फेंकेंगे तो चांस बनेगा, और कोई चांस नहीं था ग्राउंड के हिसाब से। और कहीं लगता है जो ये जो कैच दो फील्डरों के बीच में गिरा, अगर रिजल्ट दिखा ना आगे फेंकने पे, चांस बना लेकिन वो चीज़ हम अवेल नहीं कर पाए, तो कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं फील्डिंग साइड पर भी वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, फील्डिंग की वजह से मैच आ गया। थैंक यू सो मच। मैच बहुत टफ पोजीशन पर था और बॉल थी विवेक मिश्रा जी के हाथ में, तो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में कुछ नहीं था, बस विकेट टू विकेट बॉल आ रहा था, मुझे पता था, एक्चुअली पहले भी इनको खेल चुका हूँ, ये एक्चुअली इनका बहुत अच्छा बॉल डालते हैं, ये काफ़ी चीज़ खेल चुके हैं, काफ़ी स्टेट खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत है इनको, लटका रही थी मुझे बॉल डालेंगे कि मैं मारूं, बट मैं अपना स्टे करके खेलता रहा नीचे नीचे ग्राउंडेड, वही था नॉन स्ट्राइक पे, मेरे को डर था कि आउट ना हो जाए, मैं वो समझाया भी बट वो नहीं खेल पाया, डेफिनेटली फाइनल हम लोग मैच जीत गए हैं फाइनली, वो अच्छा बॉल अच्छा था बट हम लोगों ने बैटिंग अच्छी करी लास्ट टाइम। वो कैच उठा था जो मिस हुआ, अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो उस टाइम पे जो दिमाग में था वो क्या चल था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, 5 रन रह गए थे, मुझे पता था एक शॉट का गेम है, वो एक शॉट लग जाएगा तो गेम अपने हाथ में था, ऐसा कहीं ना कहीं दिल की धड़कन तो जरूर तेज हुई थी जब बॉल हवा में था, क्योंकि लास्ट विकेट था, आप चांस लेना नहीं चाहते थे, आपको भी कहीं ना कहीं आड़ा या कुछ करके खेलना ही पड़ता, तो वहाँ भी आप चांस बनाकर खेलते? नहीं, ये तो है, ये 537 MPL है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हम चाहेंगे कि कोई भी मैच हम लूज़ ना करें, हम लोग जीते, तो इसको अकॉर्डिंगली देखते, वहाँ थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ डर था कि हाँ हम हार ना जाएं, वो आगे वाले मैचेस भी बहुत टफ होने वाले हैं, वो टीम भी अच्छी है, बट हमारी टीम काफ़ी अच्छा कर रही है, तो इसलिए हम लोग दोनों मैच जीत कर गए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। ये थे रोहित कुमार, जिसकी मैं बात कर रहा था, एक अनुभवी खिलाड़ी, दोनों मिलेंगे अगले मैच में। थैंक यू सो मच। प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने और उनको इनाम देने के लिए प्राइज दिए गए संजय गुप्ता, अवधेश शर्मा, विजय बहादुर मिश्रा और आनंद मिश्रा के द्वारा। इस तरह की और भी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको उसकी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।